नमस्ते बच्चों, जैसा कि पिछली क्लास में हमने मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत के अष्टम सर्ग की व्याख्या बता रहे थे, तो पिछली क्लास में चर्चा हुई थी कि कैकेयी का जो पश्चाताप है उसकी व्याख्या हम लोग पढ़ रहे थे कि कैकेयी अपने किए गए कर्मों को किस तरह से पश्चाताप कर रही है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कह रही है कि मेरा जो मातृपद है वो भरत से ना खत्म किया जाए, मेरा मातृपद सुरक्षित रखा जाए। तो इस तरह की चर्चा पिछली क्लास में हुई थी। चलिए उसी के आगे हम लोग आगे कड़ी में आगे की व्याख्या देखते हैं। देखिए, कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती है युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। ठीक, तो देखिए सबसे पहले व्याख्या करते समय हम लोग क्या करते हैं, संकेत लिखते हैं और संकेत के अंतर्गत क्या होता है कि जिस पद की या जिस पंक्तियों की या जिस छंद की हम लोग व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले उसका प्राथमिक शब्द और डॉट डॉट करके अंतिम शब्द, ये संकेत के अंतर्गत लिखना होता है। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या आता है, संकेत। ठीक, संकेत में क्या लिखेंगे कि कहते आते थे, कहते आते थे, इसके बाद में डाट 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 करके अंत में क्या लिखना है, अभागिन रानी। ठीक, ये आपका क्या हो गया, संकेत। इसके पश्चात में आता है संदर्भ एवं प्रसंग। देखिए संदर्भ में क्या लिखेंगे, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि प्रस्तुत काव्यखंड या प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक आधुनिक हिंदी काव्य के द्विवेदी युग के प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत के अष्टम सर्ग से अवतरित हैं या ली गई हैं या उद्धृत की गई हैं। ठीक, और यहां पर इस प्रसंग में या इन पंक्तियों में कैकेयी का जो कथन है वो व्यक्त किया गया है। ठीक है, ये प्रसंग हो जाएगा। फिर इसके पश्चात में आपका क्या आता है, व्याख्या। ठीक, और व्याख्या के बाद में क्या होगा, विशेष। ठीक है, तो चलिए देखिए व्याख्या में, इसमें जो कुछ कठिन शब्द है उनका अर्थ भी देख लीजिए। जैसे नरदेही, नरदेही का अर्थ क्या होता है, मनुष्य। ठीक है, मृदुल का अर्थ क्या होता है, कोमल। और परमार्थ, दूसरे की भलाई की भलाई, और ये इस तरह से आपके कठिन शब्द हो गए। ठीक है, चलिए देखिए व्याख्या में कि कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता कुपुत्र भले ही।
है, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। कैकेयी कहती है कि अभी तक संसार में यही कहा जाता है, क्या, कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। ये बहुत कहावत, बहुत बड़ी कहावत है, क्या, कि कैकेयी कहती है कि अभी तक संसार में यही प्रचलित है, यही कहा जाता है कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। लेकिन अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, पर मेरे इस आचरण को देख करके, मेरे इस स्वभाव को देख करके, इस तरह के आचरण को देख करके अब सभी इस प्रकार कहने लगेंगे, क्या कहने लगेंगे, कि हाय भाग्य ही मेरे विपरीत हो गया है, क्योंकि अब पुत्र पुत्र ही रहा पर माता कुमाता हो गई है। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, हाय विधाता, हाय भाग्य मुझसे विपरीत हो गया है, इसलिए अब सब लोग क्या कहने लगे हैं कि हाय पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, क्या, कि अब पुत्र पुत्र ही रहा लेकिन जो माता थी वो कुमाता हो गई, और इसके पहले क्या था कि माता कभी कुमाता नहीं होती थी, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन यहां पर क्या स्थिति है कि पुत्र पुत्र ही रहा किंतु माता कुमाता हो गई। बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा। मैंने तो इस भरत का वाह स्वरूप ही देखा था। कैकेयी कहती है कि मैंने तो इस जो भरत का वाह स्वरूप ही देखा था, उसके दृढ़ हृदय को कब पहचान सकी, यानी मैं उसका जो दृढ़ हृदय को मैं पहचान नहीं सकी, मैं उसके आंतरिक भाव को कब जान सकी थी, मैंने उसके आंतरिक भावों को नहीं जाना। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो आज हाय यह बाधा। आगे देखिए कि जिसने अपने स्वार्थ को ही पहचाना, मैं उसके कोमल शरीर को ही निहारा है, मैंने उसके कोमल शरीर को ही निहारा था, मेरा हृदय उस समय इतना क्या व्यग्र हो रहा था, परेशान था, कि जिसने अपने स्वार्थ को ही पहचाना, क्योंकि वह स्वार्थ में ही भरा हुआ था, मतलब जो मेरा हृदय था वो स्वार्थ में ही भरा हुआ था, उसने परमार्थ की नहीं सोची, दूसरे के हित के लिए कुछ नहीं सोचा, इस कारण ही तो हो हाय आज यह बाधा। यही सारी, जिस कारण से यही सारी बाधाएं हमारे सामने आकर के खड़ी हो गई हैं, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। यही कारण है कि ये सारी जो समस्त बाधाएं हैं हमारे सामने आकर के खड़ी हो गई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। देखिए अब तो अनेक युगों तक इस संसार में एक ये कठोर कहानी प्रचलित रहेगी, ये जो कहानी हो गई अब तो ये अनेक युगों तक इस संसार में एक कठोर कहानी के रूप में प्रचलित रहेगी, क्या, कि रघुकुल में एक रानी, अभागिन रानी उत्पन्न हुई थी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, ये युगों युगों तक इस संसार में प्रचलित रहेगा, क्या, कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी उत्पन्न हुई थी जिसने अपने पुत्र के स्वार्थ हित हेतु पति को भी काल के गाल में डाल दिया था। ठीक, क्या, कि अपने सिर्फ अपने पुत्र के स्वार्थ हित हेतु, अपने पुत्र के स्वार्थ के लिए पति को भी काल के गाल में समा दिया था, डाल दिया था। ठीक है, ये हो गई आपकी व्याख्या। चलिए इसमें देखिए विशेष, विशेष में देखिए नंबर एक, की माता कभी कुमाता नहीं हो सकती,
है, यह एक प्रसिद्ध कहावत है। नंबर दो, कि कैकेयी का पश्चाताप यहां पर वर्णित है। और नंबर तीन, अनुप्रास अलंकार है। ठीक, चलिए आगे देखिए अगला पद कि हां लाल उसे भी आज गमाया मैंने। क्या? कि हां लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहां कमाया मैंने, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे घृणित हरिण तुल्य होता है, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। देखिए सबसे पहले क्या आता है, संकेत। देखिए संकेत में क्या लिखेंगे कि हां लाल, इसके पश्चात में डॉट 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 करके क्या लिखेंगे, दंड है मेरा। ठीक, ये आपका संकेत हो गया। फिर आता है संदर्भ एवं प्रसंग। तो संदर्भ और प्रसंग के अंतर्गत क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यखंड या प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक आधुनिक हिंदी काव्य के प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित। साकेत के अष्टम सर्ग से अवतरित की गई हैं और इन पंक्तियों में या इस काव्य खंड में माता कैकेयी की पाप प्रच्छालित करने वाली जो पश्चातापी वाणी को सुनकर प्रभु श्री राम ने उनको धन्यवाद दिया और क्या कहा कि धन्य धन्य कहा कि जिसने भरत जैसा पुत्र जन्मा है, वो भरत जैसा पुत्र जना है, उसी समय सभा भी चिल्लाई और यह माता धन्य है। सभा के शांत होने पर कैकेयी कहने लगी। क्या? कैकेयी बोली। ठीक है, ये आपका प्रसंग हो गया। इसके पश्चात फिर आती है आपकी व्याख्या। तो चलिए देखिए व्याख्या में देखिए कि हां लाल उसे भी आज गमाया मैंने। क्या? कि हां लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयश ही यहां कमाया मैंने, निज स्वार्थ उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, और पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे घृणित तुल्य होता है। कैकेयी कहती है कि मेरे पास तो मात्र एक ही धन था, वह था भरत। वो धन कौन था? भरत। हाय, जिसको भी मैंने गमा दिया, उसके स्थान पर मुझे क्या अपकीर्ति ही प्राप्त हुई है। विकराल कुयस ही यहां कमाया मैंने, उसके स्थान पर मुझे यहां पर अपयस ही मिला है। मैंने तो अपने सर्वोत्तम सुख को, जिसे मैं पति सानिध्य में प्राप्त करती थी, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। मैं तो सर्वोत्तम सुख जिसमें मैं पति के सानिध्य में प्राप्त करती थी, अपने इस पुत्र के ऊपर न्योछावर कर दिया, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। मैंने अपने इस पुत्र के ऊपर न्योछावर कर दिया, मैंने उसी के कारण तुम तक से राज्याधिकार छीन लिया है, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित
सबसे घृणित तुल्य होता है। किंतु वही भरत जिसके लिए मैंने ऐसा कार्य किया, मैंने ऐसा कृत्य किया, दीन होकर रो रहा है। वह बंदी बनाए हुए हरिण के समान संकित हो रहा है। संकित सबसे घृणित हरिण तुल्य होता है। वह बंदी बनाए हुए हरिण के समान संकित हो रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। वह चंदन के समान सुखदाई पुत्र आज अंगार खंड के समान जल रहा है। वो चंदन के समान जो सुख प्रदान करने वाला पुत्र है, वो आज क्या है, अंगार खंड के समान जल रहा है, दुखदाई हो रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, इससे बढ़कर के अब मेरा कौन सा दंड हो सकता है, इससे बड़ा मुझको और कौन सा दंड मिल सकता है। ठीक, चलिए देखिए इसमें विशेष नंबर एक, कैकेयी का पश्चाताप वर्णित है। कैकेयी का पश्चाताप व्यंजित है। ठीक, नंबर दो, कैकेयी के आंतरिक भावों को कल्पना के माध्यम से व्यक्त किया है। ठीक, और नंबर तीन, अनुप्रास एवं उपमा अलंकार का प्रयोग है। ठीक है, तो बस आज की क्लास में यहीं तक। अगली क्लास में इसी के आगे हम लोग अनवरत इसी कड़ी में आगे फिर व्याख्या पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। धन्यवाद।